शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दुकान खोलनी है। पापा जी रुकिए। क्यों? पापा जी आज आप प्लीज दुकान मत जाइए। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बहुत घबराहट सी हो रही है। लेकिन बेटा आज तो लड़का भी नहीं आया दुकान खोलने, और फिर पूजा का सामान भी तो लाना है ना। पापा जी अभय और मैं सब देख लेंगे ना, आप प्लीज आज रहने दीजिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे लेकिन बेटा भैया अगर श्रद्धा इतना कह रही है तो आज मत जाइए ना दुकान, घर पर ही रुक जाइए। ठीक है पापा। ठीक है ना, समझ में आ गया, गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, किसी का फोन था क्या? नहीं कुछ नहीं, वो बस आपकी बात का मान रख रहे वरुण जी। आपने कहा था ना कि अब हम सब एक परिवार है, तो हमने सोचा परिवार के लिए, दीदू के लिए, खास दीदू के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। मैं जानता था तुम हमेशा श्रद्धा का ख्याल रखोगी, उसकी मदद करने के लिए तुम हमेशा आगे रहती हो। से मदद भी नहीं मांगोगी? श्रद्धा अच्छा वो हम बाजार जा रहे थे पूजा का सामान लेने, तो तुम्हें कुछ चाहिए तो हम लेते आते हैं। मम्मी जी आप क्यों तकलीफ कर रही है, मैं जाके ले आती हूँ ना। अरे भाई हम इतना बुढ़ा नहीं गए कि आसपास की दुकान भी नहीं जा सके। हाँ हम आते हैं फिर। अब तो कतई नहीं जाने दूंगा। ये फोटो फ्रेम का इस तरह से टूटना, ये तो अपशकुन हो गया है।
अबे वो वहां पर कुछ नहीं। भाभी आज मुद्दत बाद आपके हाथ का खाना खाया, कितना अच्छा लग रहा है सब बैठ कर साथ में खाना खा रहे। प्रीति बेटा आपने श्रद्धा और तनुजा जी की मदद की, थैंक यू सो मच। चाचा जी जब तक बाहर से मदद नहीं मिल जाती हम सब मिलकर यहाँ पे संभाल लेंगे। और क्या, बाहर से मदद की क्या जरूरत है, हम सब है ना, सब मिलकर ध्यान रख लेंगे। क्या हुआ दीदू, आप इतनी खोई खोई सी क्यों है, कहीं आने वाली परेशानी की चिंता तो नहीं हो रही? ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि श्रद्धा की सारी परेशानियों को पहले मुझसे भिड़ना होगा। हेलो क्या, कैसे, क्या हुआ पापा जी? कुछ नहीं, कैसे दुकान की छत गिर गई बेटा। भगवान का शुक्र कि दुकान पे कोई था नहीं। भगवान के साथ साथ श्रद्धा का भी शुक्रिया अदा करने की जरूरत है भैया, क्योंकि किसी ने आपको दुकान जाने से रोक लिया, वरना पता नहीं आज क्या अनर्थ हो जाता। परेशानियों की भनक पहले से ही श्रद्धा को लग जाती, तभी घर वालों को कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। मुसीबत अभी आई कहाँ है, बस कुछ ही देर में आप सभी की जिंदगी में दस्तक देने वाली है। नजर दस्तक दे, उससे पहले ही श्रद्धा उसे दरवाजे से बाहर भेज देती और इस घर को बचा लेती। बचाया तो इसने है हमें आज, कौन है? अरे ये वही है जिसकी वजह से हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। शुक्रिया बेटा, आपने हमारी इतनी मदद की। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज बताइएगा हमें। अरे इसे मदद नहीं चाहिए, उल्टा ये तो मदद करने आई है। बेचारी बहुत गरीब घर से है, नौकरी के तलाश में यहाँ पहुंची है, तो क्यों ना हम इसे घर के काम के लिए रख लेते हैं, इसकी भी मदद हो जाएगी और हमारी भी। हाँ मम्मी जी सचमुच ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। अब आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शुक्रिया तो हमें तुम्हें कहना चाहिए, माता रानी जैसे तुम्हें खास हमारे लिए भेज दिया। चलो आप
सचमुच आप तो बिल्कुल एक फरिश्ता बन के आई हैं हमारे घर में। वो तो वक्त ही बताएगा आपको दीदू कि इस घूंघट के पीछे फरिश्ता है या आपकी बर्बादी। आप सब हमका फरिश्ता बनाई दी है और फिर मेरी बनाई दी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमका इका बहुत जरूरत था। जरूरत तो आपको सही रास्ते पर ले आई है मगर इसके आगे का रास्ता आप कैसे तय करेंगी? मेरा मतलब है इतना लंबा घूंघट जो डाला हुआ है आपने, आपको इस घर में ये सब करने की जरूरत नहीं है। ना जी जी, ये घूंघट ना हटी। और ये घूंघट क्यों नहीं उठेगा? रो क्यों रही है, क्या हुआ है? देखिए, आप इस घर में काम करने वाली, ये घर आपका भी है। अगर कोई बात है, कोई परेशानी है तो बताओ हमको, हमारे बस में जो भी पड़ेगा मदद करेंगे तुम्हारी। अब कहाँ बताएं आपको, चोर का कंटाप लगा दिए होते ना उस वक्त तो फिर कौन उसे कभी शिकायत ना करते। जिस चेहरे पे हम इतना इटला ही रहे ना, वो चेहरे पे हमारा मर्द ऐसा निशान बनाई दिए हैं कि जिंदगी भर हम अपना शक्ल किसी को ना दिखा सके हैं। और फिर निशान बनाई के ना हमका छोड़ दिया है पापी, और बस हम तब उसे तुम्हें इस घूंघट की जरूरत नहीं। दीदू आप क्या पूरी रिपोर्ट लिखिएगा? गरीब है, मजबूर है, काम की जरूरत है, और चाची जी की भी तो मदद की ना इसने। लो बताओ, सबसे पहले इसे रसोई दिखा दो और सब काम समझा दो। हाँ बुआ जी, वो हम कर देंगे, आप परेशान मत होइए, हम सब समझा देंगे रसोई में ले जाकर। जी चलिए। रुको, तुम्हें इस घर में आए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए, तुम्हें कैसे पता कि किचन का रास्ता उस तरफ है? भाभी कुछ पूछ रही हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? जवाब दीजिए। जी जी, हमको कुछ नहीं पता है। ई वाली चीची हमका इशारा की तो हम भी आगे बढ़ गए। अगर हमसे कोनो गलती हुई गवा तो हमका माफ कर दियो। हाँ हाँ, सही कह रही है, वो हम नहीं बताया था वो इशारे में, उधर है किचन, हम लेकर जाते, सब समझा देंगे। ठीक है कीर्ति, तू इन्हें रसोई का रास्ता बता दे और जो भी काम है वो भी समझा दे। अब चलो उधर उधर। एक मिनट, क्या हुआ? अरे हमने तय किया था कि परसों वसंत पंचमी हम पूरे धूमधाम से मनाएंगे, तो कितनी तैयारियां बाकी हैं? मम्मी जी उस तैयारी के लिए मैं हूँ ना। अरे ऐसे कैसे तुम हो, जो मैंने तुम्हें काम दिया था उसका क्या? चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। अरे चीची, काहे आप काम करेंगी? हाँ आप तो बस आराम की तैयारी कीजिए, अब आपकी जिम्मेवारी संभालने ही तो आई रही है हम यहाँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिम्मेदारी संभालने के लिए परिवार के सभी लोग हैं यहाँ पे। हम बस तुम्हें जितना बताए ना उस काम में बस हमारी उतनी मदद कर देना। तो चलो चलो। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू।
शुरुआत कुछ अजीब सी थी उस लड़की की। अचानक मम्मी जी की मदद की और वो अजीब से कपड़ों में घर आ गई, वो भी इतना लंबा घूंघट लेके। अरे कमरे की लाइट्स क्यों ऑफ है? अभय, अभय, अभय भी कहाँ चले गए? अभय, अभय, अभय। तुमसे किया हर वादा सच्चा है, कभी हमारी भी परवाह कर लीजिए, कभी हमसे भी पूछ लीजिए क्या इस बीमार का हाल अच्छे है। अरे ये वही है जिसकी वजह से हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। श्रद्धा, हाँ क्या कहा आपने? तुम्हारी जिंदगी उलझने वाली है श्रद्धा, तरसोगी अभी के प्यार के लिए और उसके साथ के लिए, लेकिन तुम्हें उसका साथ मिलेगा नहीं। वैसे तो हमारी बहन बहुत शातिर है, पर इस बार ना हम उनसे दो कदम आगे रह गए। जब तक उन्हें समझ में आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, तोता मैना दोनों अलग अलग हो जाएंगे। किस्मत बदलने वाली है तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी जिंदगी से प्यार जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए। और इस मंजिल की शुरुआत कल सुबह से होगी। We'll be right back.
अब तो मेरी यादाश्त भी वापस आ गई है। घर पे भी सब ठीक है, घर वाले भी खुश हैं। मेरी श्रद्धा परेशान क्यों है? वो अबे कुछ नहीं, वो जो आज काम करने वाली आई है ना, मैं उसके बारे में सोच रही थी। कैसे वो बिल्कुल अचानक से सब? तुम मेरे बारे में भी सोच लिया करो, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता, तुम्हें सब वक्त बिताना चाहता हूँ। और तुम तो काम वाली मूलची है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे परिवार पे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? माता रानी, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा हर बुरी नजर से। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम यहाँ नजर रखो कि कोई आए नहीं, तब तक मैं इसे बाहर लेकर जाती हूँ। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।